अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव की हाल ही में हमने दबंग सरकार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर देखा। हम लोगों को काफी बेहतरीन लगा इस फिल्म का ट्रेलर देख के। आप लोगों को बता दें, दबंग सरकार की बात की जाए तो इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, आकांक्षा अवस्थी, दीपिका नजर आने वाली है। वहीं पर काजल राघवानी का हमें डांस स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं योगेश राज मिश्रा, जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं दीपक कुमार, राहुल बोहरा। दोस्तों, इस फिल्म की खासियत की तरफ आए तो सबसे पहले इस फिल्म में हमें करप्शन के खिलाफ मुद्दा दिखाया जाएगा। जी हाँ, एक पुलिस वाला जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और देश को, प्रदेश को एक नया संदेश देता है। सबसे पहले हमने बॉलीवुड में रेड फिल्म देखी, उसी तरह की ये फिल्म हो सकती है। दूसरी खासियत की बात की जाए, इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, पुलिस वाले के रोल में जबरदस्त एक्शन खेसारी लाल यादव का हम पहली बार देख पाएंगे। ये भी सबसे बड़ी खासियत है कि अभिनेता खेसारी लाल यादव जबरदस्त तरीके से एक्शन करते नजर आएंगे। तीसरा बड़ा कारण ये है, खेसारी लाल यादव की ये फिल्म बहुत इमोशनल फुल होगी। यानी खेसारी लाल यादव का जो पहले वाला रोल होगा जिसमें वो गरीब होता है, वो सीन देखकर हमें रोना आ जाएगा। वहीं पर जब पुलिस वाला खेसारी लाल यादव आएगा तो हम सिनेमा घरों में तालियां भी बजाएंगे। चौथे खासियत की बात की जाए तो खेसारी लाल यादव के अपोजिट इस फिल्म में दो अभिनेत्रियां होने वाली है। जी हां, एक आकांक्षा अवस्थी, दूसरी दीपिका। दोस्तों, दोनों ही अभिनेत्रियां खेसारी लाल यादव के ऊपर मरते नजर आएंगी। पांचवा जो सबसे बड़ा खासियत सामने आता वो ये है कि इस फिल्म के जो विलन है वो काफी बेहतरीन होने वाले हैं। जी हाँ, और इस फिल्म में विलन खेसारी लाल यादव को पूरी तरीके से टक्कर देते नजर आएंगे। आप लोगों को बता दें, इस फिल्म का बजट लगभग 2,35,00,000 रुपए है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी महंगी फिल्म है। दोस्तों, इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, जो पूरी मेहनत हमें ट्रेलर में दिख भी रही है। इस फिल्म में काजल राघवानी का रोल भी काफी अल्टीमेट है और ये फिल्म काफी हद तक दर्शकों को पसंद आएगी। आप लोग इस फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो हमें जरूर बताएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह के साथ अमरपाली दुबे का एक गाना बहुत पॉपुलर रहा। गाने का नाम था राते दिया बुता के, जिस गाने को 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये गाना नंबर वन गाना है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी को देखते हुए शशांक राय जी ने एक फिल्म बनाने का सोचा, जिस फिल्म में अमरपाली दुबे को रखा जाएगा मेन लीड हीरोइन के रूप में और एक तरफ होंगे अभिनेता पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह अमरपाली दुबे के साथ धमाल मचाते नजर आएंगे। हाल ही में हमने शेर सिंह फिल्म का एक पोस्टर देखा जो काफी जबरदस्त लग रहा था। इस पोस्टर में अभिनेता पवन सिंह की शानदार बॉडी हमें देखने को मिली। दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, एक नया पोस्टर जारी हुआ है फिल्म शेर सिंह का, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह का धांसू लुक। जी हाँ, अमरपाली दुबे भी साथ में है और अभिनेता पवन सिंह को फिल्म में विलन के रूप में टक्कर देने वाला अभिनेता भी उनके सामने है। दोस्तों, काफी अल्टीमेट, काफी बेहतरीन फिल्म है जिसका दूसरा पोस्टर रिलीज हो गया है। दर्शकों को ये पोस्टर खूब पसंद आ रहा है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर दूसरा लुक जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा दूसरा पोस्टर, हमें अपना राय जरूर दें कमेंट सेक्शन के जरिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिलहाल अश्लील मुक्त भोजपुरी का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और फिलहाल मीडिया, भोजपुरी के एक्टर सभी लोग इसके सपोर्ट में उतरे हैं। हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की आने वाली 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जो अश्लील मुक्त होगी। सबसे पहले हमारे रवि भैया यानी रवि किशन की फिल्म है, फिल्म का नाम है सन की दरोगा। जी हाँ, ये फिल्म अश्लील मुक्त फिल्म है, जिस फिल्म में हमें रवि किशन का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। इस फिल्म में रवि किशन का हमें पुलिस वाला अंदाज देखने को मिलेगा, जो क्रिमिनल के खिलाफ है, जो बलात्कारियों के खिलाफ है। काफी बेहतरीन और अल्टीमेट फिल्म
फिल्म है और अश्लील मुक्त फिल्म है। जैसा कि आप लोग जानते हो, फिलहाल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों में थोड़ा बहुत भी इधर उधर का सीन नहीं डाल रहे हैं। खेसारी लाल यादव की बलम जी आई लव यू जिस फिल्म में एक भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा, इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी के साथ काजल राघवानी हमें मेन लीड करती दिखाई देंगी। इस फिल्म में अक्षरा सिंह का कैमियो भी हमें देखने को मिलेगा। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की हाल ही में एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म का नाम है दबंग सरकार, जिस फिल्म में हमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला पुलिस वाला। इस फिल्म में खेसारी के साथ आकांक्षा अवस्थी है, ये भी फिल्म अश्लील मुक्त है। हाल ही में अभिनेता पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वो भी फिल्म अश्लील मुक्त है, ये हम फैमिली के साथ घर में देख सकते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की हाल ही में एक फिल्म आ रही, फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी 3। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये फिल्म भी अश्लील मुक्त होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आपके सामने आने वाली 5 अश्लील मुक्त भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी फिल्में। वैसे आपको बता दें, सुपरस्टार खेसारी पवन निरहुआ के सहित भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े सुपरस्टार अब अश्लील मुक्त भोजपुरी इंडस्ट्री की राह पर चल पड़े हैं। कोई भी अपनी फिल्मों में अश्लील सीन नहीं डाल रहा है। तो दोस्तों, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री फिलहाल बदल रहा है। जिस तरह आप लोगों ने संघर्ष फिल्म को देखकर अश्लील मुक्त भोजपुरी फिल्मों को सपोर्ट किया, उसी तरह आप लोग ऐसे ही भोजपुरी की सभी फिल्मों को सपोर्ट कीजिए जो अश्लील मुक्त है। भोजपुरी इंडस्ट्री गानों के कारण जाना जाता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में फिलहाल बहुत से गाने आ रहे हैं। कुछ सुपरहिट होते हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर होते हैं, कुछ फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन हम आपको 10 गाने ऐसे बताएंगे जो आसमान छू रहे हैं। सबसे पहला गाना आप लोग जानते ही हो, नाम है रातें दिया बता के, जिस गाने में अभिनेता पवन सिंह के साथ अमरपाली दुबे ठुमका लगाती नजर आई। ये गाना दर्शकों को खूब पसंद आया और ये गाना लगभग इतना सुपरहिट रहा कि 20 करोड़ से ज्यादा जनता ने इस गाने को देखा और पसंद किया। दूसरा गाना है छलकत हमार जवानिया, जिस गाने को अभिनेता पवन सिंह काजल राघवानी द्वारा फिल्माया गया था। ये गाना भोजपुरी राजा फिल्म का गाना, ये गाना बहुत हिट रहा, बहुत बड़ा हिट रहा। फिलहाल इसको लगभग 18 करोड़ लोगों ने देखा है। जी हाँ, अभिनेता पवन सिंह और काजल राघवानी के गाने को 187 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 18 करोड़ 70 लाख लोगों ने इस गाने को देख डाला है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा गाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है रितेश पांडे का गाना, जिस गाने को लगभग 119 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 11 करोड़ 90 लाख लोगों ने इस गाने को सुना है। गाने का नाम है पीवा से पहले हमार रहलो, जिसे लगभग 10-11 महीने पहले रिलीज किया गया था। इस गाने को फिलहाल 119 मिलियन लोगों ने देखा और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा गाना है। चौथे नंबर पर है खेसारी लाल यादव का गाना, गाने का नाम है सच के सवर की, जो फिल्म मुकद्दर का गाना था। ये गाना काफी अल्टीमेट था, इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिलहाल इसको लगभग 10-11 महीनों में 97 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 9 करोड़ 70 लाख लोगों ने इस गाने को देखा और पसंद किया। पांचवें नंबर पर हमारी लिस्ट में शामिल है अभिनेता पवन सिंह का गाना, जिस गाने का नाम है लॉलीपॉप लागे लो। ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, इस गाने को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इस गाने को तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का पांचवा सबसे बड़ा गाना है। छठवें नंबर की बात की जाए तो हाल ही में एक गाना आया था, गाने का नाम था आवा तरे सैया टेम्पो से, जिस गाने को गाया था लक्की राजा ने। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन गाना, ये गाना वायरल हो गया और इस गाने को लगभग 64 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 6 करोड़ 43 लाख लोगों ने इस गाने को देखा और पसंद किया। काफी बड़ी बात है कि नए सिंगर का गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। उसके बाद सातवें नंबर पर हमारी लिस्ट में शामिल है रितेश पांडे का गाना, गाने का नाम है पीवा से पहले हमार रहलू 2, जिस गाने को अब तक लगभग 5 करोड़ 31 लाख लोगों ने देखा, यानी 53 मिलियन लोगों ने इस गाने को देखा और पसंद किया, जो काफी बड़ी बात है। आठवें नंबर पर अभिनेता पवन सिंह का गाना, जिस गाने को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, गाने का नाम है पलंगिया सोने ना दिया, जिस गाने में अभिनेता पवन सिंह के साथ मनी भट्टाचार्य ने काफी बेहतरीन काम किया था। इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ये फिल्म वांटेड का गाना है, जो काफी हद तक सुपर डुपर हिट हो रहा है और फिलहाल इसे लगभग 5 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है और काफी बड़ा इतिहास इस गाने ने मात्र 2 महीने में ही बना दिया है। उसके बाद खेसारी लाल यादव की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था मेहंदी लगा के रखना। उस फिल्म में गाना था कौना देवता
गुप्ता के गढ़ल सवालर रहा, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी ने परफॉर्म किया था। इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ये गाना हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। एक और गाना हमारी लिस्ट में शामिल है, जिस गाने का नाम है कूलर कुर्ती में। जो गाना खेसारी लाल यादव का गाना, ये दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। ये गाना दीवानापन फिल्म का, जिसमें खेसारी के साथ काजल राघवानी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। ये गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, ये था आपके सामने 10 गाना जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। ये गाने दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। रवि किशन को लेकर हुआ बिहार के नालंदा में बड़ा बवाल। जैसा कि आप लोग जानते हो, फिलहाल रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने के लिए अश्लील मुक्त भोजपुरी फिल्म लेकर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सन की दरोगा फिल्म बनाई है, जिस फिल्म में रवि किशन ने खुद पैसा लगाया है। सन की दरोगा फिल्म में रवि किशन के साथ अंजना सिंह नजर आने वाली है। आप लोगों को बता दें, रवि किशन की इस फिल्म में अश्लील के साथ बलात्कारियों को लेकर इस फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म में हम देखेंगे कि बलात्कारी मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं रवि किशन। रवि किशन इस फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल निभाते हैं, जो पुलिस वाले का अगर माथा गर्म हो जाए तो पुलिस वाला किसी को नहीं छोड़ता है। इस पुलिस वाले का ये कहना है कि अगर हमारे देश में रहना है तो बलात्कार और जुर्म से दूर रहना होगा। रवि किशन एक पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं, ये हमने ट्रेलर में देखा। इस फिल्म को जगह जगह जाकर रवि किशन प्रमोट कर रहे हैं। और इसी बीच बिहार के नालंदा में रवि किशन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंचे, और वहां जो हुआ वो हैरान करने वाली घटना थी। जी हां, हाल ही में रवि किशन जब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिहार के नालंदा जिला में जाने का मन बनाया, वहां पर कल्याण केंद्र मैदान में रवि किशन के आगमन पर कबड्डी खेल का आयोजन किया गया था। और उस बीच रवि किशन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आने वाले थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो बवाल में कन्वर्ट हो गया। जी हां, डीएम ने पहले फिल्म प्रमोट करने की अनुमति दे दी, उसके बाद अचानक से जब सब कुछ हो गया तो डीएम ने रोक लगा दी। मामला कुछ ऐसा हुआ, पहले तो रवि किशन की टीम ने पूरी तरीके से वहां पर प्रोग्राम आयोजित करने के लिए अनुमति ले ली। पुलिस प्रशासन ने इस बात की अनुमति दे दी कि आप लोग यहां पर अपना प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने वाला ही था उससे पहले डीएम ने इस प्रोग्राम पर रोक लगा दिया, और रवि किशन को अपनी फिल्म प्रमोट किए बिना ही जिले से वापस जाना पड़ा। रवि किशन ने जब डीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भंग हो जाएगी, यहाँ पर हबड़ा तबड़ी मच जाएगी, यहाँ पर लोगों को परेशानी होगी, इसलिए हमने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, इसकी अनुमति वापस ले ली। इसके बाद रवि किशन भी काफी परेशान हुए, और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि मैं बिहार शरीफ में अपने फैंस से नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि हम दुष्कर्म मुक्त भारत अभियान के लिए एक फिल्म सन की दरोगा लेकर आए हैं। इस फिल्म के माध्यम से दुष्कर्म जैसी घटना के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने का पूरा प्रयास किया गया है। इस अभियान के तहत बिहार शरीफ में कबड्डी मैच का आयोजन किया गया था, लेकिन आयोजन से महज कुछ देर पहले कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बता दें, रवि किशन को काफी दुख लगा कि उन्हें नालंदा के लोगों से मिलने नहीं दिया गया। पहले तो डीएम ने अनुमति दे दी, उसके बाद जब अनुमति वापस ले ली यानी प्रोग्राम कैंसिल करने को कहा, तो आज वहां पर लोग रवि किशन के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर कई पोस्टर लगाए गए जिसमें बताया गया कि हम रवि किशन का अपमान नहीं सहेंगे, कबड्डी था कोई नाच नहीं, नालंदा पर कोई आँच नहीं, नारी उत्पीड़न विरुद्ध फिल्म प्रमोशन को रोकना, गुंडा मवाली और बलात्कारियों को मौन समर्थन देना है, और भी दोस्तों कई पोस्टर लगाए गए और रवि किशन का लोगों ने सपोर्ट किया। तो दोस्तों, काफी बुरी खबर है नालंदा के लोगों के लिए जो रवि किशन से नहीं मिल पाए, लेकिन दोस्तों रवि किशन जी ने एक बेहतर शुरुआत की, हम लोगों को इसका साथ देना बहुत जरूरी है।